नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं सवाई माधोपुर जिले के बाड़ोती कस्बे में हूं, जहां से आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूं। और बाड़ोती कस्बे में मैं ऐसे रुका हूं और कुछ लोग हैं, चुनावी प्रचार है, चुनावी माहौल है, लोग अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो लोग हैं, आप देख पा रहे हैं बाड़ोती एक कस्बा है और बाड़ोती लालचौक जयपुर जाने वाला रूट है और यहाँ कुछ लोग हमें दिखाई दिए और सामने एक कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे हम आपकी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की रणनीति क्या है, यहाँ के नेताओं के क्या है, यहाँ की समस्याएँ क्या है, यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं और उन परेशानियों को देखते हुए किस प्रकार इनका जो मत है उसका ये प्रयोग करेंगे 25 नवंबर को। जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले तमाम दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 नवंबर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सब विवेक से मताधिकार का प्रयोग करें और अपने पसंदीदा नेता को पक्ष में वोट कर उसे जरूर जिताए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हेमराज मीना। हेमराज जी, गांव कौन सा आपका? बाड़ोती। बाड़ोती, क्या आपकी नीति रहेगी, किस प्रकार आपकी वोटिंग रहेगी या क्या आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप अबकी बार आप वोट करेंगे? हम तो ये देखते हैं कि डॉक्टर साहब हर समाज के लिए, यानी कोई भी समस्या हो तुरंत पहुँच जाते हैं, तो इस वजह से अबकी बार हम भारी मतों से डॉक्टर साहब को विजय बनाएंगे। और हमारा सारा पूरा गांव बाड़ोती डॉक्टर साहब को फुल समर्थन देगा, इसलिए मैं सभी माधोपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि अब की बार डॉक्टर साहब को भारी मतों से विजय बनाकर। हेमराज जी नाम बताया ना आपने। हेमराज जी, डॉक्टर साहब को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प आप ले रहे हैं, अपील आप कर रहे हैं, कारण क्या रहा कि आपने कांग्रेस ने कई सारी योजनाएं लागू की है उसके बाद भी आप डॉक्टर साहब ऊपर इतना दिल और मन आपका रख, विजय क्या है आपको? आपने देखा होगा कि 5 साल लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है, तो वो शख्स एक है डॉक्टर साहब, उन्होंने पेपर लीक, जो भी मुद्दे हैं युवाओं के हैं, महिलाओं के हैं, जैसे कि ये विधवा, ये अपने शहीद है उनकी जो औरतें हैं उनके लिए, इन सबकी लड़ाई उन्होंने अपने दम पर लड़ी है और हम ऐसे शख्स को आगे पहुंचाना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहकर अपना धन्यवाद सर। तो आपका नाम क्या है सर? शुभ नाम है दूजीराम मीणा। दूजीराम जी, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में क्या रणनीति रहेगी, क्या क्रिया प्रतिक्रिया है आपकी? यही रणनीति रहेगी कि यहाँ से बीजेपी सबसे आगे जाएगी। बीजेपी को आगे लाने का क्या मेन कारण क्या है जनता का, आपका मत क्या है कि बीजेपी आगे आए? बीजेपी आगे आने का यही मत है कि किसान के लिए कांग्रेस ने ये वादा किया था कि जो भी हम जो किसान का ऋण माफ करने का वादा किया था वो आपको याद है? किसान का ऋण माफी की बातें आपको याद है? हमको याद है वो। उसके साथ में दूसरा जी, कई सारी ऐसी योजनाएं भी कांग्रेस सरकार ने लागू की है, जो 7 योजनाएं भी बता रहे हैं उन पे आपका जानने का? उनमें से ये सिलेंडर वो बता रहे हैं 500 रुपए का, वो 500 रुपए का सिलेंडर अब तक नहीं हुआ, और योजना है वो कुछ भी लागू नहीं हुआ। यही मैं धन्यवाद सर। सर आपका नाम? प्रीतम सिंह चौधरी। प्रीतम जी, आपका क्या कहना है, इस बार चुनाव में किस प्रकार आपकी भूमिका रहेगी? देखो, मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस के जो कुशासन चला ना, जहाँ भ्रष्टाचार के लिप्त रही है सरकार, पहले तो किसानों की कर्ज माफी का राहुल गांधी जी आए थे, आपको याद है लास्ट विधानसभा चुनाव में, उनका मैं दस्तक गिनूंगा किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। केंद्र की जो नीति है उन पे ही विकास हो रहा है राजस्थान में, कहीं भी आपको ना अच्छी सड़क मिलेगी ना पानी की सुविधा मिलेगी। ये थोते कहते हैं हमने 132 KV का बना दिया, तो सड़क आधा पैसा केंद्र का है उसमें, और जो चल रही योजना है सरकार की वो सारी केंद्र की है। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव, मैं OBC मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा पूरा जिला है। पूरा जिला, तो आपके जो भारतीय आसपास है माधोपुर के जो क्षेत्र की जो समस्या मेन समस्या है
किस प्रकार की जो समस्या है आपकी मैंने? सबसे बड़ी समस्या है किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं करवाना। आपने देखा है इस गर्मी में मौसम में लाइटें दो दो घंटे आ रही हैं, किसानों को उचित बिजली नहीं दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ किसानों को कम से कम दिन में 6 घंटा सर्दी के मौसम में कंटिन्यू बिजली का बिजली दे, जिससे किसान ठंड में नहीं मरे और उनकी कृषि हो सके। एक एक दर्शक ने हमसे पूछा है, इसमें कमेंट आ रहा है हमारा कि किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई चढ़ाई एक्सीडेंट दुर्घटना थी जो केवल आम आदमी पार्टी ने प्रायोजित करके उसे इस रूप में दिया। दुर्घटना आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, वाहन चलाते हैं वो कोई इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था और कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें हम सब भागी बने, कमल का फूल का बटन दबाए। पाँच साल कांग्रेस के राहुल गांधी में एक झगड़ा है और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो दानिश अब्रार थे उन्होंने हमारे गांव में 1 रुपए का काम नहीं कराया, तो ये बताओ कांग्रेस को किस आधार पे वोट दे। तो और उन्होंने जो यानी नए लड़के थे तो थोड़ा बहुत कुछ भी, यानी सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल देते थे तो उनको पकड़ पकड़ के उनको पट्टे दिलाता था, तो ऐसा है वो यानी गुंडा राज कर रखा है यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं, उनसे छुटकारा चाहते हैं और डॉक्टर किरोड़ी लाल जो सर्व समाज के नेता है उनको हम आगे लाना चाहते हैं।